आज अपन बात करें सुविन लाइफ साइंस लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें कंपनी की स्टॉक प्राइस, कंपनी का स्टॉक 58.20 पर ट्रेड कर रहा है। आज की ट्रेडिंग से इसमें 2.18% की गिरावट इसमें देखने को मिली। पिछले एक महीने की अगर बात करें तो 13% का जंप, पिछले एक साल की अगर बात करें तो 18% की गिरावट। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर बात करें तो 6,828% शानदार रिटर्न दिया। पिछले कुछ समय कंपनी में यहाँ पर आपको डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है। आज कंपनी को लेकर अपडेट आई, कंपनी के जो Q4 है उसके नंबर्स आ गए, उसके साथ फाइनेंशियल ईयर 2023 के नंबर भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें नंबर्स की, Q3 के अंदर कंपनी की टोटल इनकम 5.2 करोड़ थी, वो बढ़कर 8.2 करोड़ आपको देखने को मिल रही है, 57% की तेजी। नेट प्रॉफिट -51 करोड़ था कंपनी का और -27 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के अपने अपने आप में हल्का सा इंप्रूवमेंट किया, कंपनी का नुकसान है वो कम देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर -2.90 से कम होकर -1.17, यानी अर्निंग पर शेयर में भी यहाँ पर कंपनी ने अपने आप में इंप्रूवमेंट किया। पिछले साल के Q4 को अगर देखें तो वहाँ पर कंपनी की जो टोटल इनकम है 4 करोड़ थी, वो बढ़कर 8 करोड़ हो गई, 89% की यहाँ पर वृद्धि इसमें देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट -20 करोड़ से, यानी कंपनी को नुकसान यहाँ पर पिछले साल के क्वार्टर की तुलना में बढ़ा है और 32% की इसमें वृद्धि आपको देखने को मिली है। अर्निंग पर शेयर -1.63 से कम होकर -1.17, यानी अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। ईयर ऑन ईयर अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर कंपनी की टोटल इनकम 13 करोड़ थी, वो बढ़कर 21 करोड़ हो गई, 63% का जम। नेट प्रॉफिट -21 करोड़ से कम होकर -118 करोड़, यानी 3% की इसमें कमी आपको देखने को मिली है। अगर बात करें अर्निंग पर शेयर -9.05 से कम होकर -6.63 आपको देखने को मिला है, 26% का जंप इसमें भी आपको देखने को मिला है। कंपनी के रिजल्ट की अगर बात करें, ओवरऑल कंपनी ने पिछले क्वार्टर की तुलना में यहाँ पर अगर अपन बात करें तो परफॉर्म अच्छा देखने को मिला है, लेकिन पिछले साल के Q4 की तुलना में यहाँ पर कंपनी को नेट प्रॉफिट में नुकसान हुआ है और ईयर ऑन ईयर बात करें कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। कंपनी के जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इसमें निवेशक हैं और निवेश करना चाहते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल एक ज़रूर ध्यान से एनालिसिस करें और अपने जो अपना जो अध्ययन है उसी के स्तर पर आप इसमें निवेश करें। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग।